हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। बज रहे भाई सुबह के 10। हम अभी कंट्री में चल रहे हैं, अंबिकापुर पहुंचने वाले हैं। अंबिकापुर से अभी 50-60 किलोमीटर पहले हैं, बढ़ रहे हैं। सब भाई भी उठ गए हैं अब। हेलो भाई, बस मस्ती करेंगे सारे भाई। हाँ, अभी पहले फ्रेश हो गए सुबह भी, मतलब आधे नींद में आधे कुछ। अभी बस उठ ब्रश वगैरह करेंगे, मुँह धोएंगे, चाय वगैरह पियेंगे, फिर निकलेंगे। फिर तो आज अच्छे से गुड मॉर्निंग फिर करेंगे और फिर मौज मस्ती करेंगे। और रास्ता भी ऐसा पटना तो मस्त रास्ता है, तो मजा आ जाएगा भाई। जो चैनल पे नहीं है भाई को पूरा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और पहुंच गया कि ढाबे पे। चाय वगैरह बोली है, पर हमने पूरा गाड़ी को भी खोल के रखा है। वास्ट तो चल के गोरे उसी खुशी में काम कर रहा है, बस उसको सही तरह एडजस्ट करना है, फिट करना है, फिर निकलना है। पहाड़ों में चाय पीने का कुछ मज़ा ही अलग है। चाय वगैरह पी ली और अपना सिस्टम सब सेट हो गया, तो मस्त सॉन्ग सुनते सुनते जाएंगे, आपको भी सुनाएंगे। बस बिल वगैरह दे रहे हैं, यहाँ पर भी निकलते हैं फिर यहाँ से। अब क्या रुकेंगे दिन को, वहाँ नहाएंगे भी, खाना वगैरह वहीं खाएंगे। यहाँ पर तो हल्की चाय पी बस। मौसम तो काफ़ी अच्छा है आज का, बस बारिश नहीं हो मज़ा आता है। बारिश हो तो फिर दिक्कत हो जाती है, विजिबिलिटी कम। दिन को कोई टेंशन नहीं, बस रात को नहीं होनी चाहिए। काफ़ी कमेंटों के बाद आज तिलक लगा लिया भाई, इतना तिलक में कैसे लग रहे हैं। बस करते हैं गाड़ी स्टार्ट और निकलते हैं। ए भाई भी पी रहे थे अपने साथ चाय, भी निकल के चलते हैं हम भी। अब यहाँ पे मौसम का कुछ समझ नहीं आता कभी। अभी वहाँ से निकले तो बारिश बिल्कुल धूप थी, मैंने बोला कि मौसम आज प्यारा है। 3 किलोमीटर आगे बारिश का मौसम है, फिर से आगे पता नहीं क्या होने वाला, क्या होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, जो भी जिंदगी आगे पता कब क्या हो जाएगा। जो 2-4 दिन है हंस खेल के निकालो मस्त। अब घर से इतने दूर है, हम तीन बंदे की फैमिली है अभी, जब तक घर नहीं पहुंचते तो अब खुशी खुशी से निकालो मस्त। रोड, पहाड़, जंगल, यादें, हम अपने बुढ़ापे की मेमोरीज इकट्ठी कर रहे हैं। बाद जब बूढ़े हो जाएंगे, चल नहीं सकेंगे, अपना फ़ोन लेंगे, अपने वीडियोस देखेंगे। अभी अचानक से बारिश आई थी, फिर से धूप आ गई। अब आगे हो सकता है 2-4 किलोमीटर में फिर से बारिश आए, फिर से धूप आए। हाँ, मैं बारिश करवा रहा हूँ इधर। यार लोग रहते होंगे जंगल में, मतलब जंगल घर तो है ना इस साइड है ना इस साइड है। और कहीं कहीं जगह ऐसी यहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क भी नहीं है किसी सिम का भी, तो बड़ी दिक्कत है वहाँ पे, गाड़ी ख़राब हो जाए तो। चल रहे हैं अभी भी कंटिन्यू। गौरव तो सो गया भाई, क्योंकि अच्छे से नींद नहीं पूरी हो पाई, उसको हमने सुला दिया। मैं 2 घंटे तो सो जाता तो तक हम चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे। मौसम मस्त और व्यू मस्त है। मैंने औरंगाबाद तो व्यू मस्त है, उसके बाद थोड़ा 4 लाइन, फिर मतलब ट्रैफिक। यहाँ पे देखो बिल्कुल कम गाड़ी है, कोई टेंशन नहीं, आराम से आप चल सकते हो, कंफर्टेबल। और रोड भी बढ़िया है, कहीं कहीं जगह बीच में है टूटी रोड, पर ऑलमोस्ट बढ़िया ही है रोड, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। और तो दिन के 2 बजने वाले हैं, फिर से बारिश आ गई। बस अब ढाबा देख रहे हैं कोई अच्छा सा, जब साफ सुथरा थोड़ा ढाबा हो, क्योंकि कहीं ढाबे पर बड़े सिंगल रास्ता है ना, थोड़ी दिक्कत आ जाती है बारिश में। कोई नहीं, वाइपर है ना चीज़ साफ करने के लिए, मतलब खाना खाएंगे और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। कभी अपनी लाइफ ही मुश्किल हो जाती है यार। अभी हम खाने के लिए ढूंढ रहे थे कि ढाबा वगैरह मिले, तो टायर पंचर हो गया गर्मी में। पहले बारिश भी थी, जब अपना टाइम आया तो बारिश भी बंद हो गई। मैं सब चेक उतार दिया, टायर कर दिया चेंज, अब निकलेंगे। मिल गया यूरिया, बाल्टी भी मिल गया, अब टेंशन नहीं है। ढाबे पे डालेंगे भाई, ढाबे पे खाएंगे नहाएंगे, थोड़ा थक गए यार। पानी वानी गिरवा दो प्लीज, वापस बर्फ बारिश करवानी है। टेंशन मत लो भैया, हंसेगा बारिश आएगी। हां ठीक है, यहाँ पे मिली एक बाल्टी ना,
यहाँ 1500 की है। जब मैं आया था लास्ट टाइम मैंने वेस्ट बंगाल से डाला था तब मेरे को मिलता 1850 का, तो हमने बोला एक बाल्टी और ले लेते हैं यार, क्यों महंगा लेना, 300-350 बचे का वही बेहतर है। हाँ आ रही है बाल्टी, आ रही है जी, आ रही है, ये आ गई, खुद ही आ गई बाल्टी, तो खुद ही नहीं आई, बड़ा मेहनत की है। ठीक है ठीक है, चलो फिर 3 बज गया, अभी तक ढाबा ही ढूंढ रहे, पसंद नहीं आ रहा, लग रही है अब शहर शुभम भाई चल रहे हैं, रेस्ट ही रेस्ट है। थोड़ा टाइम के बाद एक ढाबा यहाँ पे दिखा है, मतलब बन रहा है अभी नया, तो चलो खाना मिल जाएगा। और ठीक है ड्राइवर, ओके साथ ही है ना, लॉकर गाड़ी शीशे पर चढ़ा, खाते हैं खाना या फिर निकलते हैं। 3 बज के, अब 2 घंटे सो जाऊँगा मैं, फिर कोई टेंशन नहीं है, नींद पूरी हो जाएगी रात की 2 घंटे सोने से। अभी भाई ढाबे में थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप आते हो अगर आपको ताज़ा खाना खाना, थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा कि रोटी ताज़ी बन जाए, तो वो चाचू बना रहे हैं वहाँ पे। शुभम भाई वहाँ पे झूला झूल रहे हैं, गाड़ी वहाँ खड़ी की है, और 4:30 हो गए गाइस, 4:30 मतलब कब सोएंगे, कब उठेंगे, कब चलेंगे, पर आज भी चलेंगे तो कल सुबह तक तो हम पहुँच जाएंगे पूर्णिया, मतलब वेस्ट बंगाल एंटर कर देंगे कल दिन में। पहले यहाँ पे एक वो था, दोनों के इकट्ठे हो गए, खाना खा लिया, खाना हजम कर रहे हैं, चाय पी के निकलेंगे वापस। आप जाके कैश ले होगा इसे, जी जी मैम, फिर हम चाय अभी पियेंगे ना। एक बाल्टी यूरिया, अब हमने खाना खा लिया, अब गाड़ी को भी खिलाना है, डाल लेते यूरिया, डाल दिया यूरिया, अब टेंशन नहीं, अब आते हुए डालना पड़ेगा एक, चलें चलो फिर, अब सोऊंगा मैं 1 घंटा, 5 बज गए हैं, 6-7 बजे तक सोऊंगा, 8 बजे तक। खाना खा के निकल चुके थे, और यहाँ की लोकेशन पता नहीं कैमरे में दिख रही है नहीं दिख रही, कसम से यहाँ तक नज़र ही आ रही है ना, मैदान सीधा मैदान गए थे, मतलब जिन महीने नहीं देखा तो जल्दी से लिंक था डिस्क्रिप्शन जाके देख लेना। अभी हम चल रहे हैं जंगल के बीच से, शुभम भाई कर रहे हैं यहाँ पे ड्राइव, मस्त कैसा लग रहा है मुझे दिखाना मस्त, लेकिन हम ना बहुत चला गया, हमको दिखाएंगे भाई, मस्त कूलर लगा के सोए हुए, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम चल रहे हैं अभी लाइव चल रहे थे इंस्टा पे, आगे हम चल रहे हैं जंगल के बीच से, पूरा अपना गाने लगा के, सॉन्ग लगा के, लाइटिंग लगा के, मस्त। हाँ जी क्या बोल रहे थे, क्या करना है, जंगल में मंगल करेंगे किसी वीडियो में। हाँ जी हम कह रहे थे कभी ना कभी व्लॉग आएगा जिसमें हम जंगल में मंगल करेंगे, बर्तन है हमारे पास, गैस चूल्हा है, कभी मस्त पार्टी करेंगे जंगल में जाके, खाना बनाएंगे तो चलते हैं बस आगे। और मौसम क्या बेस्ट है, मतलब एक अलग ही फील आ रहा है, शाम का मौसम मेरा फेवरेट हो रहा है वैसे, मैं ना शोर शराबा ही नहीं होता, एक अलग ही फील होता है। वाह यार अभी हम, मैं उतर चुका हूँ गाड़ी से थोड़ा शूट करने के लिए, बस शुभम भाई पीछे से आ रहे इस मोड़ से, और मोड़ इतने टफ है ना, मतलब 2 गाड़ियाँ ना क्रॉस नहीं हो सकती आपस में, तो एक को ब्रेक मारनी पड़ेगी। अभी नीचे से भी आ चुके गाड़ी एंड अपने शुभ भाई का वेट कर रहा हूँ मैं, ये अपनी आ चुकी है। हमें पीछे दौड़ाया जा रहा है, भाई रुक जा भाई, हमें ले चलो, हमें जंगल में नहीं छोड़ना, हमें जंगल में नहीं रहना, भाई हम हमें जंगल में क्यों छोड़ रहे थे, ये चीटिंग है। आ चुके हैं ऋषभ वाली जगह में, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वो पार शुभम भाई,
यहाँ से ले गए तो 200-300 रुपये कैश ले गए आप दे रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कितनी दी जाएगी। मतलब जब से हम निकले ना, ये हमारा फर्स्ट रिश्वत है, अभी तक हमने मतलब कोई भी मिला नहीं और कुछ भी दिया नहीं, बट यहाँ पे हम दे रहे हैं। शुभम भाई क्या करें भाई, देना पड़ता है बस। देंगे तो कहाँ गया डंडा, देंगे तो ये डंडा उठेगा तो हमारा ट्रक आगे बढ़ेगा। और अनुज भाई कंटिन्यू, अभी ये सुना मेरा मोबाइल कहाँ गया, टाइम देखना था, टाइम कितना हो चुका है हमें, एक सेकेंड यार, मैंने सॉन्ग लगाए हुए थे, टाइम 7:30 का हो चुका है। आप शुभम भाई देखे आए हो, अब चलेंगे हम 200 दी, बहुत अच्छा काम किया, गब्बर खुश हुआ। बज रहे भाई रात के 8:30 और मैं भी उठ गया। अब कंटिन्यू ही चल रहे हैं, पियेंगे कहीं चाय, चलेंगे अभी, अभी तो भाई चल रहे हैं, अभी भाई चलेंगे चाय पी के भी चलेंगे अभी। हाँ सुबह नहीं, मतलब 2 बजे तक भाई चलेंगे, फिर 1-2 घंटे और सोएंगे, अच्छे से नींद पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद भाई सोएंगे। और हम अभी पहुंचे हैं झारखंड में, बज रहे हैं रात के 12 और हम चल रहे थे, हमने गढ़वा जो नो एंट्री का यहाँ पे था ना मसला वो किया पार, तो कुछ भाई प्रॉब्लम थी तो हम रुके यहाँ पे, आज हम यहीं रुकेंगे, देखते रहे रात को निकलेंगे या कल सुबह ही निकल पाएंगे, तो फिलहाल यहीं रुकेंगे, ये ढाबा है। तो खाना वगैरह खाया भाई, चाय पी रहे हैं, तो आज मैं भी सोया था तो भाई भी सोए थे, तो कोई नहीं भाई आराम से बातचीत करेंगे, गाड़ी में बैठ के गपशप लगाएंगे।